दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री में यूं तो कई कपल्स हैं जिन्होंने अपनी जोड़ी से दर्शकों द्वारा खूब सुर्खियां बटोरी हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही कपल्स हैं जिनके बारे में सब कुछ फैंस जानना चाहते हैं। उन्हीं में से एक है करीना कपूर खान। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा करीना कपूर खान अपनी पर्सनालिटी और हुसन के लिए जानी जाती है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि करीना कपूर और उनके पार्टनर के बीच एज गैप काफी ज्यादा है और इनकी इस जोड़ी को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी किया जाता है, जिसके चलते आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाले हैं कि आखिरकार करीना ने क्यों की इतनी ज्यादा उम्र वाले शख्स से शादी। चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में इसके पीछे का राज। आपको बता दें कि शादी से पहले करीना कपूर का नाम शाहिद कपूर के साथ भी जोड़ा गया था। इतना ही नहीं बल्कि ये दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन सैफ के आने के बाद इनका ये रिश्ता टूट गया। साल 2012 में सैफ और करीना ने शादी कर ली थी। करीना सैफ से 10 साल छोटी थी, इसीलिए इनकी ये शादी खूब चर्चाओं में रही और इनकी इस जोड़ी को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी होना पड़ा। इनकी इस जोड़ी ने ये साबित कर दिया कि जब दो लोगों के बीच इतना प्यार हो तो उम्र का फासला कोई मायने नहीं रखता। इन दोनों की लव स्टोरी एक फिल्म से शुरू हुई थी। फैशन की शूटिंग के दौरान करीना सैफ को दिल दे बैठी थी। फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन करीना को सैफ में उनका लव ऑफ लाइफ मिल गया। आपको बता दें कि करीना कई इंटरव्यू में कहती सुनी गई है कि उन्होंने शादी से पहले सैफ अली खान के सामने एक शर्त रखी थी। ये शर्त थी कि शादी के बाद भी वो फिल्मों में काम करेंगी और सैफ ने यह शर्त मान ली, जिसे शादी के बाद भी करीना कपूर वी रे दी वेडिंग और गुड न्यूज जैसी फिल्मों में नजर आई। यही वो वजह थी जिसके चलते करीना कपूर ने सैफ अली खान से शादी की। तो दोस्तों आपकी करीना कपूर और सैफ अली खान की इस जोड़ी के बारे में क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही और भी चटपटी और मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।